हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीजे क्लास में। दोस्तों, आज का जो अपडेट है जो वैकेंसी का वो निकलेंगे आ रहा है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट झारखंड। यह दोस्तों, ये झारखंड की तरफ से जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, अर्बन डिपार्टमेंट, वहाँ से ये वैकेंसी आया है। उसमें क्या क्या वैकेंसी है, कितने पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी है, सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें पूरा इंग्लिश में दिया गया है। इसमें बता रहा हूँ पर स्टेप बाय स्टेप देखिए। और इसको आप चाहते हैं कि हिंदी में देखने के लिए तो हमारा वेबसाइट है, उसका लिंक मैं दे दूँगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये रहा, देखिए दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ से आप आके देख सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल से मैं, कोई वैकेंसी आता है तो मैं बताता हूँ, वहाँ से आप पा सकते हैं। देखिए पूरा आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पीडीएफ का लिंक, यहाँ से आपको मिल जाएगा नीचे में, देखिए दिखा रहा है। अधिक जानकारी हेतु विज्ञापन देखें, यहाँ से आप पीडीएफ का लिंक पा सकते हैं। और ऑनलाइन जो आवेदन कीजिएगा आप, उसका भी लिंक आप हमारे इस वेबसाइट से पा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर आके सब कुछ यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप आसानी से पा सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये दोस्तों, यहाँ पर जो दिखा रहा है कि जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी है वो आया है, जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लोग इसे भर सकते हैं। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि 3 साल के बाद इसे परमानेंट कर दिया जाएगा। मैं आपको नीचे बता रहा हूँ सब, देखिए हमारी वीडियो को लास्ट तक। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कितना कितना पोस्ट है किसके लिए। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको, सबसे पहला जो है एक नंबर पे आपको जो है वो जूनियर इंजीनियर, जो वो सिविल ब्रांच का है, उसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 93 है और अनरिजर्व में 47 है। एसटी के लिए 24 है, एससी के लिए 9 है, एबीसी 1 के लिए 7 है और बीसी 2 के लिए 6 है। इसका जो दोस्तों क्वालिफिकेशन है, आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, झारखंड से पास आउट होना चाहिए, या फिर कोई भी AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए, या आपको इंजीनियरिंग की जो डिग्री है बीटेक की वो होना चाहिए, या AICTE अप्रूव्ड के द्वारा कहीं भी आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं सिविल ब्रांच में, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन है। ये जो दोस्त दिखा रहा है दोस्तों, ये सर्विस जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ये दिखा रहा हूँ आपकी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड है वो 3 साल है, या जब तक रेगुलर नहीं हो जाता, यानी 3 साल से पहले आपको रेगुलर, ये 3 साल के बाद कर देगा आपको। और जो दोस्तों ये जो मंथली जो है इसका जो सैलरी है वह है 28,755 रुपये, जो कि फिक्स है, आपको ये इतना मिलेगा। ये था जूनियर इंजीनियर सिविल ब्रांच के लिए। सेम चीज़ है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके लिए 23 पोस्ट है अनरिजर्व में आपका, 12 ST, 6 SC, 2 आपका ये दिखा रहा है EBC और 1 BC के लिए। और आपका सेम क्वालिफिकेशन है, सिर्फ आपको जो डिग्री है वो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, यानी आप जिसके लिए भरिएगा, अगर आप भरिएगा सिविल के लिए तो आपके पास वो डिग्री होना चाहिए सिविल में, या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। अगर आप भरते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए तो वो होना चाहिए आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, बाकी सब कंडीशन सेम है। और जो तीसरा है वो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, टोटल 25 जो है टोटल है, 13 आपका अनरिजर्व में है, 6 आपका ST, 3 SC, 2 EBC 1 और ये BC 2 के लिए 1 है, और सेम कंडीशन है, सिर्फ आपको जो अगर आप मैकेनिकल भर रहे हैं तो आपको उसका डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल का। और यहाँ पर सेम कंडीशन है, सैलरी तीनों में सेम है आपका। और यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो एज लिमिट है वो आपको 1/8/17 का जो लेटर है उसके अनुसार यहाँ पर बनाया गया है। ये जो आपको कट ऑफ डेट है वो 1/8/17 तक कितना होना चाहिए दिखा रहे हैं यहाँ पर, जनरल के लिए होना चाहिए 35 साल, यानी जो मिनिमम एज है वो होना चाहिए 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और जो मैक्सिमम है वो होना चाहिए 35 साल। ये 1/8/17 को कट ऑफ डेट बनाया गया है। और जो BC 1 BC 2 के लिए 37 मैक्सिमम है, वोमेन के लिए जो अनरिजर्व है BC 1 BC 2 है उसके 38 है, और जो SC ST है जो मेल फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष है, और आप एक्स्ट्रा चाहते हैं उसके लिए कंडीशन है यहाँ पर दिया गया है। और मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर कि क्या क्या इसका जो इसमें मांगेगा, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा,
ये दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, ये जो है आप कैंडिडेट्स ऑलरेडी सर्विस इन स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेल हैव टू सबमिट नौ ऑफिस। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट जॉब में, इसको आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको नौ ऑफिस सर्टिफिकेट देना जरूरी है और आपको जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा उसके लिए है जो कहीं जॉब कर रहे हैं। और देखिए दिखा रहे हैं एप्लीकेशन जो प्रोसीड्यूर है उसको कैसे भरना है आपको। ये जो है आपको इंटरेस्टेड एंड अकॉर्डिंगली एंड जो एलिजिबल कैंडिडेट आर इन्वाइटेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन ये भरना है। और जो एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आप अगर हैंडीकेप्ड हैं जो भी हैं, वो सबको आपको भेजना है। साथ में 2,000 रुपये का आपको ये पेमेंट करना है, किसके द्वारा, NEFT के द्वारा। याद रखिएगा आपको जो पेमेंट मोड होगा वो NEFT के द्वारा होगा, 2,000 रुपये का आपको देना पड़ेगा। कैसे भेजना है आपको, यहाँ देखिए दिखा रहा है, नेम ऑफ द बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाएगा, ब्रांच का यहाँ पर नाम दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है, अकाउंट होल्डर का नाम दिया गया है और IFSC कोड भी दिया गया है। आप बैंक में जाके इसका NEFT 2,000 रुपये के करना है और आप इसे ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन का जो लिंक है मैंने पहले बताया कि आपको मैं अपने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ डाल दूंगा अपने वेबसाइट का लिंक, मेरे वेबसाइट में आपको लिंक सारा मिल जाएगा, फुल डिटेल्स उसके बारे में और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दोनों मिल जाएगा, आप वहाँ से पा सकते हैं। और ये जो दोस्तों ये आपको ऑनलाइन जो है वो शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है वो 5 नवंबर 2018 तक ये चलेगा, उसके बाद ये लिंक ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो दोस्तों आप आसानी से जाके फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत सारे पोस्ट हैं और जो भी डिप्लोमा BTech किए हुए हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल वालों के लिए बहुत सारे पोस्ट हैं, सैलरी भी अच्छा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, दोस्तों को इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।